फासिल अलवी, एक जालिम जाकिर सैयदना अबू हुरैरा को गाली ये देता हुआ कहता है कि ये सारी कमाई उस बिलियों के बाप की कमाई है, उसने झूठ लिख लिख कर घड़ा है। अरे की थी 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 शादी औखा है जे रसूल इनू क्या है ना भी तू शादी करे तो कुर्बान जावा फिर केड़ा लायक पुत्र विचू जमे क्या सारी अबू हरारा की कमाई है किसे बंदे दे कोल किबला प्याज सन जिवे लोकी व्यापारी व्यापार करदे केलियां दा सेबां दा अनारां दा उहने गंढियां दा कीता प्याज ना विकन ते गल दे जान ओ हजरत अबू हुरैरा कोल आया उन्हें क्या सैयदी मुर्शदी हबीबी मैं मरना मैं तो काटा पैन दिया उन्हें क्या क्यों आखे प्याज गल दे पे लोग लेंदे क्यों नहीं उन्हें आखे ते एक मिनट दी मार मुनाफेदाद टुक लै उन्हें क्या जी अद्दो आद उन्हें जनाब बाजार च टंडोरा देना शुरू कर दिया मुसलमानों पता जी अज दिन केड़ा है बंदे कन चुके रहा जू हर वेले रसूल दे गोड़ियां नाल बंदे आख्या साबी रसूल है भाई ये कातब है हर वेले कोल रसूल दे रहा है गल कोई नवी करो उन्हें क्या रसूल अज दे दिन वास्ते फरमाया सी अज ओ दिन है जिहड़ा बंदा प्याज बहुते खाएगा जन्नत च ओ पहले जाएगा लोकी कपड़े छाबे लैके टुर पे उन्हें भी फाटा खोल दिता बचिया छिल्लड़ ही ना विक गए हजरत बीबी आयशा नु पता लगा भी अबू हुरैरा ने यानी के यानी कर छड़े है उन्हें सद्या उन्हें आख्या ना इधर आखा अबू हुरैरा रसूल कदों फरमाया सी बे गंढे खाण ना जन्नत लभदी उन्हें कहा था रसूल कदों किया सी मेरी विरासत कोई नहीं जे ए गल मैं ना बनाउंदा तां बीबी फिदक दीआं खजूरां तू भी ना रड़कदी ए साडी मर्जी है जिधर मर्जी टोर दी है मुसलमान तारीख इस्लाम ने नबी और नबी दी आल ते ओ बहतान लाए जिन्हां दा हकायक नाल दूर दूर तक वास्ता नहीं सुभान अल्लाह असी अली मौला नू वासनाल नहीं मनिया रब्बे काबा दी कसम पूरी कायनात दी रिसर्च कीती है सानू अली दा सानी नबियां च नजर नहीं आया सानू कायनात चली दे नाल दा कोई बंदा नजर ही नहीं आता अरे अगर तुम्हारी ये बात दुरुस्त होती कि अबू हुरैरा ने ये रिवायत घड़ी है तो अबू हुरैरा की अगर हसनैन करीमैन से दुश्मनी होती उनकी शान वाली रिवायत क्यों बयान करते क्यों आखिरी लम्हात में भी आखिरी औकात में भी मौत की बीमारी में उठकर बैठ गए और हसनैन की शान की रिवायत बयान की तुम झूठ बोलते हो सहाबा हसनैन करीमैन से मोहब्बत किया करते थे उनकी नफरतें ना थी वो कहता है ये उसी बिल्लियों के बाप की कमाई है जो झूठ बोला करता था किसी का प्याज का कारोबार था उसका प्याज सेल नहीं हो रहा था वो दौड़ता हुआ आया अबू हुरैरा से कहने लगा सैयदी मुर्शदी मैं तो मर गया बर्बाद हो गया प्याज का कारोबार किया कोई खरीद नहीं रहा सैयद अबू हुरैरा बाहर निकले कहने लगे प्रॉफिट हाफ ऑफ कर ले तेरा प्याज सारा सेल करवा देता हूं बाहर निकलकर आवाज लगाई लोगों आज कौन सा दिन है लोगों ने कान उठाए क्या बात है कहा आज वही दिन है जिसके बारे में नबी ने कहा था जो आज प्याज ज्यादा खाएगा वो जन्नत में जाएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लोग खरीदने के लिए भाग पड़े सारे प्याज सेल हो गए कहा बीबी आयशा को पता लगा कि अबू हुरैरा ने तो ये और ये कर दिया मैदान मार लिया तो कहा इधर आ अबू हुरैरा
नबी ने कब कहा था जो आज प्याज खाएगा वो जन्नत में सीधा जाएगा? तो कहा नबी ने कब कहा था कि अंबिया का छोड़ा हुआ माल तरका मुसलमानों के लिए सदका होता है, इनकी विरासत नहीं होती? वो हदीस भी तो मैंने घड़ी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अवाम को तासुर ये दिया जाता है इन जाकिरों की जुबान से कि सहाबा और अहले बैत में नफरतें थी, सहाबा और अहले बैत में दुश्मनी थी। अब हुरैरा अपने पास से रिवायत बनाया करता था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे अबू हुरैरा तो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते थे, अबू हुरैरा तो नबी के अहले बैत से मोहब्बत करते थे। अकल इस्तेमाल करके खुद सोच लो, अगर सहाबा को और खास तौर पे जिसको तनकीद का निशाना तुम बनाते हो, अबू हुरैरा को नबी के अहले बैत से मोहब्बत ना होती, वो हसनैन करीमैन की शान में आने वाली अहादीस को उम्मत तक क्यों पहुंचाते? हमें हुसैन की शान, हमें हसन की शान की यह हदीसें पहुंचाने वाले सैयदना अबू हुरैरा हैं। वो उनसे मोहब्बत करते थे, तुम उन पर झूठ का इल्जाम लगाते हो। मुस्नद अहमद में है, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फरमाते हैं, मैं बिस्तर पे सोया हुआ था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सैयदना हसन या सैयदना हुसैन ने पानी मांगा। अल्लाह के रसूल अपने नवासों की जुबान से पानी के जुमले सुनकर उस बकरी की तरह मुतवज्जा होते हैं जो घर में मौजूद है, जिसका दूध भी थोड़ा सा हुआ करता था। नबी ने उसका दूध दोया तो बहुत ज्यादा दूध हुआ, फिर आपने अपने नवासों को वो दूध पिलाया और इसी मौके पर आपने फरमाया, फातिमा मैं, तू, तेरे ये दोनों बेटे और जो ये सो रहा है, इशारा सैयदना अली की तरफ था, कयामत के दिन एक ही मकाम पर होंगे। ऐ फातिमा मैं भी, तू भी, तेरे ये दोनों लगते जिगर हसन हुसैन भी और अली भी कयामत के दिन इकट्ठे होंगे। इनकी शान, इनकी अस्मत नबी के इस मकाम से, इस फरमान से अपने दिलों में बिठाइए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन प्यारे नवासों को देखकर कहा था, मेरे ये दो बेटे, मेरे ये दो फूल, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। जन्नत में नौजवान जितने होंगे वो हसन हुसैन की सरदारी में होंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दुनिया के अव्वल और आखिर, और इन अहादीस में अंबिया के अलावा गुफ्तगू होती है, जन्नत में अव्वल और आखिर जितने बूढ़े हैं उनके सरदार अबू बकर और उमर होंगे, यानी जो बुढ़ापे की हालत में फौत हुआ उसके सरदार अबू बकर और उमर, जो जवानी की हालत में फौत हुआ उसके सरदार हसन और हुसैन। एक दफा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा ने सहाबा के बेटों को कपड़े इनाम के तौर पे दिए, हदीये के तौर पे दिए, उनमें बांटे। वो कपड़ा जो तमाम सहाबा की औलाद ने बांटा, जब बारी आई मेरे नबी के दो फूलों की, जब बारी आई अली के दो शहजादों की, हसन और हुसैन की, तो आपने वो कपड़ा जो बाकी सहाबा के बच्चों में बांटा था, वो कपड़ा हसन और हुसैन के शायान शान न समझते हुए उनको न दिया, बल्कि कासिद को यमन भेजा और यमन से कीमती कपड़ा पहना बुला मंगवा कर अपने इन शहजादों को पहनाया। नबी जिस तरह अपने नवासों से प्यार करते थे, नबी के सहाबा भी मोहम्मद अलैहि सलाम के नवासों से वैसे ही प्यार करते थे। हाफिज़ इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह लिखते हैं, यह बात साबित है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा दोनों शहजादों से बहुत प्यार, एहतराम और इज्जत का मामला करते थे, और जो अतियात इनके वालिद को दिया करते थे वही इनको भी दिया करते थे।